मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? नाउ लेट्स स्टार्ट SST स्टैंडर्ड 1 चैप्टर 3 माय फैमिली। वी लाइव्स विद आवर फैमिली इन ए हाउस। हम अपने परिवार के साथ घरों में रहते हैं। ए फैमिली इज मेड अप ऑफ मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन। एक परिवार माता पिता और उनके बच्चों के द्वारा होता है। मदर एंड फादर नोन एज पेरेंट्स। माता पिता को पेरेंट्स बोला जाता है। टाइप्स ऑफ फैमिलीज। अब अपने देश में अलग अलग प्रकार के फैमिली होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैमिली। तीन प्रकार के परिवार होते हैं। स्मॉल फैमिली, जिसे छोटा परिवार कहा जाता है, बिग फैमिली, बड़ा परिवार, एंड ज्वाइंट फैमिली, जिसको हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। और अपने देश के कल्चर में शुरुआत से ही, प्राचीन समय से ही ज्वाइंट फैमिली का प्रचलन रहा है। ये संस्कार है कि तो चलिए हम आगे आपको एक एक करके अलग अलग फैमिली के बारे में बता रहा हूं। फर्स्ट, स्मॉल फैमिली। पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रंस लिव्स टुगेदर इन ए स्मॉल फैमिली। माता पिता और उनके एक या दो बच्चे जो होते हैं, वो एक परिवार में रहते हैं, उसे स्मॉल फैमिली कहा जाता। नेक्स्ट, बिग फैमिली। इन ए बिग फैमिली चिल्ड्रन लिव विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। बड़ा परिवार ऐसा परिवार जिसमें बच्चे माता पिता और फिर उनके माता पिता यानी ग्रैंडपा, बच्चे, आपके पिताजी और उनके पिताजी यानी आपके दादाजी, जहाँ एक साथ रहते हैं, उसे बिग फैमिली बोला जाता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट फैमिली। नेक्स्ट है ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार। मेनी मेंबर्स लिव टुगेदर इन ए हाउस। एक घरों में कई सदस्य रहते हैं। देयर आर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स इन ए बिग फैमिली। यानी एक ही परिवार में दादाजी, माता पिता, चाचा चाची, भाई भतीजे, ये संयुक्त रूप से एक बड़ा परिवार बनता है। और ये सभी संयुक्त रूप से एक ही परिवार में मिलजुल कर रहते हैं, इसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। और ये ज्वाइंट फैमिली जो है, संयुक्त परिवार, ये ज़्यादातर हमारे अपने देश में ही पाया जाता है। ये संस्कार है कि हम लोगों के देश में लोग एक परिवार आपस में मिलजुल कर रहना अच्छा समझते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फैमिली कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। तो इसी प्रकार के परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है।
तो आज का चैप्टर यहीं खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट डे। थैंक्स।